तो हेलो दोस्तों, मैं आपका छोटा भाई सुरेंद्र फिर से एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के बीच आया हूँ। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही आप लोग अपना प्यार देते रहें यही आशा करता हूँ। तो आज इस वीडियो के माध्यम से जो जिस विषय पे मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ, वो विषय, वो टॉपिक है कि जब मैं गाना गाता हूँ तो मेरी आवाज़ कांपती रहती है। तो आवाज़ जो कांपती है उससे जब गाना सुनते हैं तो थोड़ा सा गाना सुनने में अच्छा, लोग बताते हैं कि फील नहीं होता है, वो फील नहीं आ पाता है, अच्छा नहीं लगता है। तो इसी विषय पे हम बात करने वाले हैं, तो शुरू करते हैं वीडियो। तो जैसा कि आप लोग अगर बता रहे हैं कि, या जो लोग फेस कर रहे हैं कि जब मैं गाना गाता हूँ तो मेरी वॉइस कांपती रहती है, तो देखिए क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सीखते नहीं हैं लेकिन गाते हैं, अच्छा गा लेते हैं, और कुछ लोग सीखते हैं उसके बावजूद भी गाते हैं तो उनकी आवाज़ कांपती रहती है। कहने का मेरा मतलब ये है कि बिगनर्स और जो काफी दिन से सीखते हैं, वो दोनों लोग भी जब गाते हैं तो उनकी आवाज़ कांपती रहती है। ऐसा क्यों? जबकि वो लोग कहते हैं कि मैं तो सीखता था फिर भी मेरी आवाज़ कांपती है। देखिए, सीखने और ना सीखने से मैटर तो करता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि सिंगिंग भाई सीखने पे ही है, सब कुछ सीखने से आता है, लेकिन डिपेंड ये भी करता है कि आप जो सीख रहे हैं वो कैसे सीख रहे हैं, आप जो रियाज कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, है ना? रियाज कैसे कर रहे हैं, मेरे कहने का मतलब समझ रहे हैं? मेरे कहने का मतलब फॉर एग्जांपल कि जैसे कुछ लोग पढ़ते हैं तो 10 घंटा पढ़ते हैं और कुछ पढ़ने वाले होते हैं 1 घंटा, लेकिन 10 घंटे में जो लोग पढ़ते हैं 10 घंटा, उनसे पूछ लो कि जो आपने इतना पढ़ा है उसी में से कुछ चीज़ें पूछ लो तो वो बता नहीं पाते। लेकिन जो 1 घंटा पढ़ता है, अगर जिस जितना उसने 1 घंटे में पढ़ा है उससे पूछ लो तो वो काफ़ी चीज़ें, मैक्सिमम चीज़ें बता देता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब डज नॉट मैटर टू 10 आवर एंड 1 आवर, कि आपको एक एक घंटा और 10 घंटा मायने नहीं रखता है। आपका मायने ये करता है कि आप कैसे उसे स्टडी करते हैं, कैसे समझते हैं, कैसे पढ़ते हैं। किताब लेकर बैठे हैं 10 घंटे से, आप मन कहीं अलग है, सोच कुछ और रहे हैं, दिखावे के लिए बता रहे हैं कि मैं 10 घंटा पढ़ रहा हूँ, उससे क्या मतलब है? मेरा मतलब समझ रहे? आप रियाज कहते हैं कि 4 4 5 5 घंटे करते हैं, क्या करते हो भाई 4 5 घंटा रियाज, मतलब समझते हो क्या होता है? अगर आप डेली 2 घंटा करें तो आपको 4 5 महीने में आपको खुद ही रिजल्ट, पहले से और आप अब के रिजल्ट में आपको काफ़ी ज़्यादा चेंजेस मिलेगा। आप 5 घंटे करते हैं, आपके अंदर चेंजेस नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। मैं कैसे मानूँ? मान सकता हूँ। कब मान सकता हूँ? आप गलत तरीके से रियाज कर रहे हैं, आप रियाज गलत तरीके से कर रहे हैं। आप 5 साल से क्या 10 साल से सीखते रहे? 5 घंटा क्या 10 घंटा सीखते रहे? क्या मतलब है? आप जब रियाज गलत करेंगे, जब आप किसी चीज को पढ़ेंगे गलत तो उसे बोलेंगे भी गलत। आपने पढ़ लिया किसी चीज को, पढ़ा ठीक है, तो जो पढ़ा आपने जो सुना उसे वही तो बोलोगे, वही बोलोगे, जब वही बोलोगे तो गलतियां तो होंगी, और फिर आप कहोगे कि ये तो बताया आपने और गलत बता रहे, बताने वाला गलत बता रहा है। भैया, बताने वाला गलत नहीं कर रहा है, बता रहा है। आप क्या कर रहे हो, आप उसे कैसे समझ रहे हो? आप जितना अच्छा समझ पाएंगे किसी की बात को, उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट होगा। अगर आप किसी को बात को समझ नहीं पाते तो आपका रिजल्ट अच्छा हो ही नहीं सकता, फिर तो आप कहोगे सामने वाला गलत बेवकूफ़ है, वो आपको बता रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं, मैं 100% कह रहा हूँ, 100% नहीं, 101% मैं बोल रहा हूँ आपसे, आप डेली 2 घंटे रियाज करिए, लेकिन रियाज करने के तरीके से करिए। आपको 5 महीने में आपको रिजल्ट अपने आप आपकी वॉइस पे फर्क पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप गलत तरीके से रियाज करेंगे तो आपको गलत ही, आप गलत चीज ही सीख रहे हो, तो गलत चीज जब सीख रहे हो तो गलत चीज ही तो बोलोगे, उसका रिप्रेजेंटेशन गलत ही तो करोगे। अगर मैं दो
टू इंटू टू को फोर होता है, मैं सिक्स, अगर मैंने सिक्स पढ़ा है तो मैं सिक्स ही तो बोलूँगा, गलतियाँ तो मेरे से मुझसे ही हो रही ना। अब सामने वाले की क्या गलती है कि उसने मुझे टू इंटू टू फोर बताया था, आप सिक्स समझ रहे हो ना, वो आपकी गलती है। फिर आप बताओ कि सामने वाला गलत बताया। कहने का मेरे मतलब ये है कि जो आप रियाज कर रहे हो वो रियाज शायद हो सकता है आप गलत कर रहे हो। अब ये तो मुझे नहीं कहता, मैं कैसे कह दूँ कि आपका रियाज गलत है, आप गलत करते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं है, आप 5 घंटा रियाज करते हैं और आप में पहले से और अब में बेटर में कोई मतलब कोई चेंजेस है ही नहीं, तो मतलब यानी कि आपका रियाज गलत हो सकता है, आपका तरीका गलत हो सकता है। और इस गलती को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप रियाज सही तरीके से करें। आप जब रियाज करें तो अपने रियाज में जो आपकी हारमोनियम की रीड होती हैं उन पर ठहराव लाएं। एक-एक सुर पे आप टाइम दें। अगर आपको सा बोलना है तो सा पे ठहरो, रुको, सा, इस तरह आप ठहराव लाओ। जब आप ठहराव लाएंगे तो आपकी वॉइस जो होती है ना एकदम ऐसे ऐसे नहीं लगती कि जब आप बोलेंगे तो आपकी वॉइस एकदम सीधा जाएगी। आप अगर फील करेंगे आंखें बंद करके तो लगेगा कि आपकी जो वॉइस है वो सीधा निकल रही है, एकदम फेस टू फेस स्ट्रेट लाइन की तरफ जा रही है। और जब आपको ये ऐसा महसूस होने लगेगा अपने आप, आपकी जो आवाज़ जो वॉइस कांपती है वो अपने आप उठ रही है। तो इस टॉपिक पे अब मैं, क्योंकि मेरी वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस टॉपिक पे बात करते हैं। सो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रहें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।